हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और देखिए, मैं आप गांव आ चुकी हूं, तो मैं आज का वीडियो गांव से ही शुरू करूंगी। तो देखिए, हमारे दिन भर की दिनचर्या आज क्या है और गांव में हम कैसे जीवन बिताते हैं, ये आप लोगों को सबको पता होगा, क्योंकि हर कोई गांव में काम करता है और गांव का सारा जो भी होता है हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट पर करके बताना कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगी। वे हो चुकी है, यहाँ पर मेरे बच्चे खेल कर रहे हैं और ये हमारी बसंती है, गाय है, और वो दूसरी वाली गाय है, इसका नाम बसंती है और उसको बच्चे भूरी बोलते हैं। और यहाँ पर ये हमारे बैल है और ये भैंस है। हमारे गाँव में मतलब हमारे बहुत सारे जानवर हैं। मैं और मेरी देवरानी जा रहे हैं गोबर फेंकने और आप लोगों को मैं दिखाते रहूंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं गोबर फेंकने। यह है गोबर, देखो कि जा रहे हैं हम लोग। और गांव में जल्दी धूप आ जाती है और बहुत अच्छा मौसम भी है, हो रखा है यहाँ। ज्यादा ठंडा तो नहीं हुआ है, अच्छा हो रहा है। ये रहा मेरे घर का नजारा, तो कुछ इस तरह का ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारी छत है। इस जहाँ हम गोबर फेंकने आए थे वहाँ पहुँच चुके हैं। ये हमने वहाँ पर फेंक दिया है और यहाँ आजकल पूरा खाली हो रखा है। ये खाली इसलिए हो रखा है क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा होता है, एक जगह पर गेहूँ बोया जाता है तो दूसरी जगह खाली छोड़ा जाता है। तो अब इसमें धान बोएंगे जब बारिश हो जाएगी। बारिश को देखे हैं, अगर बारिश होगी तो यहाँ पर धान बोया जाएगा। और यहाँ एक दो खेतों में मसूर बोई हुई है, तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। यहाँ पर हम लोगों ने बो रखी है मसूर, लेकिन मसूर अभी छोटी छोटी हुई है। ये है मसूर का पेड़, ये देखो, और कहीं कहीं पर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये बो रखी है। ये इसलिए नहीं हो रखी है क्योंकि बारिश आई नहीं है, तो आजकल ये थोड़ा अजीब सा हो रखा है, खेत भी खाले खाले हो रखे हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ का लोकेशन कुछ इस तरह का है। गांव के आगे हमारे जेठानी गोबर फेंकने। हाँ ठीक है, तुम ठीक है? कहाँ की तुम है? अच्छा, तो गाइस ये है हमारा ताऊजी लोगों का घर है और वो सामने रोड है। और ये देखिए, और ये नीचे ये हमारे घर है और साथ में चाचा ससुर लोगों के घर है। दिन के 12 बज गए हैं और मैं आ रखी हूँ अपने घर के खेत पे, और यहाँ मेरे ससुर जी कुछ काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, तरोई निकाल रहे हैं, जो जमीन के अंदर वाली सब्जी होती है, और इसको निकाल रहे हैं। इन्होंने ऊपर फेंका है, ये देखिए, ये वाला है तरोड़, इसको तरोड़ बोलते हैं, और ये हमारे गाँव में कहीं कहीं पर होती है। गाइस, हमारे वहाँ आज घुटते बनाते हैं और आज बनाते हैं और कल उड़ाते हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मेरी सास यहाँ पर आटा गूंथ रही है और उसमें क्या क्या मिलाया है। हमारी सासू माँ, और मैं सासू माँ भी नहीं बोलती हूँ, वही बोलती हूँ, और ये बोल रही है यहाँ पर आटा घुटते बनाने के लिए। इसमें इन्होंने वो मिलाया, सूजी मिलाई और थोड़ा घी डाला था। घी और सूजी से थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये गूंथ रही है यहाँ पर, और लक्षित यहाँ पर बैठा है, देखा है अम्मा को। गाइस, हमने यहाँ पर घुटते बना दिए हैं। ये है घुटते, कुबूर ये है, और ये बाटी है। और आज था त्योहार, तो मेरे ससुर जी ने बनाया है, मतलब बनाया, उनके साथ हम भी लगे थे, तो वो पकाने वाले थे, लेकिन मैंने आपको आप लोगों को दिखाया नहीं, क्यों इसलिए दिखाया क्योंकि मैं ससुर जी के सामने वीडियो शूट नहीं करती हूँ। और जो मैंने आगे इस ब्लॉग में वीडियो शूट करी है ससुर जी की, वो भी ऊपर से करी है क्योंकि मैंने उनको दिखाया नहीं है, और अभी उनको मतलब ऊपर से ही शूट करके दिखाया है। और ये देखे, अभी उन्होंने बना रखे हैं, उन्होंने और मैंने मिलके बनाया, और इसमें मतलब देवरानी भी है, सास भी है शामिल, तो सब लोगों ने मिलके बनाया है त्योहार। ये उत्तराखंड का लोकप्रिय त्योहार होता है और हमारे वहाँ इसको बहुत मानते हैं, तो यहाँ पर ये बनाए। तो गाइस, यहाँ पर ये खजूरे बनाए हुए हैं, ये बड़े बनाए हैं, और ये पूरी है, और ये मांस की रोटी है, मेरी सास ने बनाया है। और यहाँ पर ये हैं खजूरे और बड़े रखे हुए हैं, और ये
घुघते बनाए हैं हमने, और कल इसकी माला बना के बच्चे हमारा कौवा को बुलाएंगे। और यहाँ पर ये आग जलाई है, ये आग वाला किचन है, और यहाँ पर सास बैठी हुई है बच्चे को लेके, और इसमें कनिस्टर में पानी रखा हुआ है। आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं अभी ना आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।